इसका ये स्प्रिंग पीछे वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये टूट चुका है, ये इसका एक हिस्सा टूट चुका है। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि इस स्प्रिंग को कैसे चेंज किया जाता है, यानी कि नया कैसे तब्दील कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा जो मौजू है वो टेंशन स्प्रिंग का है, तो आप खुद कैसे तब्दील कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम आपको सिखाएंगे कि टेंशन प्लेट का जो स्प्रिंग पीछे वाला होता है, जिससे धागे का खिंचाव अच्छा आता है, टाँका साफ आता है, उसको तब्दील करने के लिए आप क्या कर सकने वाले, और जो नहीं भी देख रहे वो भी मेरे चैनल पर आकर देखें तो इसको समझ सकें कि मैंने इसको कैसे तब्दील किया है। पीछे वाला ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये टूट चुका है, ये इसका एक हिस्सा टूट चुका है, ये देखें। स्प्रिंग को कैसे चेंज किया जाता है, यानी कि नया कैसे तब्दील कर सकते हैं आप खुद ही। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक छोटा सा स्क्रू पेच का लेना, एक छोटा सा एक बड़ा सा, ये देखें मेरे पास है एक छोटा सा स्क्रू पेच कस और एक छोटा सा बड़ा पेच कस, यानी कि थोड़े छोटे बड़े होते हैं, ये देखें। सबसे पहले आपने ये छोटा सा स्क्रू पेच है, ये इसके नीचे लगा हुआ है, एक छोटा पेच है जिसके बैक साइड पे लगा हुआ है, छोटा पेच स्क्रू पेच, जो आपने ये इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपने लूज़ कर लेना है, ये लूज़ हो चुका, बस इसको इतना ही लूज़ आपने करना है, ज़्यादा नहीं, इसको खोलना हमने बाहर निकाल लेना है ऐसे। कुछ ऐसे होते हैं जो टाइट होते हैं और कुछ लूज़ होते हैं, ये थोड़ा टाइट है इसलिए मैं थोड़ा पेचकस की मदद से पीछे से आस्ते आस्ते इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ये देखें बाहर आ चुका है, ये मुकम्मल बाहर आ चुका है, ये देखें ये मुकम्मल बाहर आ चुका है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये इसके जो पीछे जो सिलाई है, ये देखिए सिलाई नज़र आ रही है आपको, इसको आपने बाहर निकाल लेना है, आराम से इधर रख लेना है अपने पास से ही। उसके बाद आपने ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो आपने खोल लेना, नट स्प्रिंग भी खोल लेना है स्प्रिंग, और इसके बाद प्लेट है ये तीन, ये टेंशन प्लेट है, ये देखें ये वाली प्लेट तीन है, उसके बाद ये स्प्रिंग आप नज़र आ रहा है जो टूट चुका था, ये देख बाहर निकाल दें। पहले आपने ये पेच लूज कर लेना, ये वाला स्क्रू पेच आप नज़र आ रहा है आपको, ये देखें ये आपने लूज कर लेना, लूज करने के बाद आपने ये इसको हल्का जोर लगाना है, देखें थोड़ा घुमाएं और ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये स्प्रिंग है, ये आपने ये देखें, अब आपने नया स्प्रिंग लगाना है, तो सबसे पहले आपने इसकी सफाई अच्छी तरह कर लेनी है, जो इसमें ऑयल लगा हुआ है वो साफ कर लें, देखें इसको अंदर से भी साफ कर लें अच्छी तरह, आपने साफ कर लेना, ये नया स्प्रिंग है और ये पुराना स्प्रिंग है, ये देखिए ये टूटा हुआ है, ये देखिए ये देखें ये टकड़ा हिस्सा नज़र आ रहा है, और ये टकड़ा हिस्सा इसमें जो स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा है ये वाला, आपने इसको इस ऐसे डालना, देखें इस तरह लगाना आपने, ये देखें ऐसे, जैसे आप इसको इसमें फिट करेंगे ना तो आपने इसको थोड़ा सा घुमाना है, घुमाने के बाद ये स्प्रिंग थोड़ा टाइट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये वाला हिस्सा आपने इसमें गुजारना है ऐसे, ये देखिए ऐसे गुजारना है, ठीक है यहाँ से आपने गुजारना है, यहाँ से ये उल्टा है, अंदर से डालते हैं या बाहर से, ये देखें आपने यहाँ से गलती बिल्कुल नहीं करनी, यहाँ से आपने करना है, ये देखें अंदर से ये घुमाएं, बस आपने घुमाना इसमें लग जाएगा। आपको मैं फिर निकाल देता हूँ, इसको बाहर निकाल कर इसे आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, देखिए ये
बिल्कुल सांस लेकर बाहर। आपने इस तरह स्प्रिंग नहीं डालना, इस तरह देखो ऐसे आपने ये वाला हिस्सा बिल्कुल सांस, यहाँ देखें यहाँ से और थोड़ा सा इस ये टक वाला हिस्सा ये वाला आपने वो जो स्प्रिंग था मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर आपने बराबर रख इसमें लगा देना, ये देखो देखो थोड़ा सा आपने ऐड करना है, बस इतने आपने करना है। एक चूड़ी, चूड़ी इसमें नहीं होती वैसे कह रहा हूँ, जैसे आप चूड़ी टाइट करते हैं वैसे ही आपने। उसके बाद आपने ये पेज थोड़ा टाइट कर लेना है दोस्तों, आप गौर से देखें ये रहा टाइट हो चुका है, ये देखें उसी तरह लगाना जैसे आपने इसको खोला था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली जो आपने सिलाई निकाली थी ये देखें, इसका ये कोई मसला नहीं है, उल्ट सीधे का इसका मसला कोई नहीं है, जिस तरह चाहे आप इसको लगा दें, ये आ चुकी है। उसके बाद आपने एक तरीका ये है कि आप पहले इसको लगा सकते हैं, जैसे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ऐसे। एक तरीका ये है कि आप बाहर इसको प्लेटों को लगा सकते हैं ऐसे, जैसे आपका दिल चाहे लगा लें ऐसे। दो तरीके हैं लेकिन असल सही तरीका जो है वो पहले इसको लगाते हैं स्प्रिंग प्लेट के बाद में लगा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको थोड़ा आगे से इसको पकड़ें और इसको पीछे से धकेलें, ठीक है, ये पीछे चला जाएगा। ये वाला आपने हिस्सा बिल्कुल सीधा रखना है ऐसे, सीधा रखना है, इसकी जो एडजस्टमेंट है इसमें बाद में हो जाएगी। यहाँ से आपने पेज थोड़ा टाइट कर देना है, स्क्रू पेज ये मैंने टाइट कर दिया, ये काम कर रहा है, क्लिप लगा देनी है। रिंग लग गया और ये इसका जो अगर नट है वो भी फिट हो चुका है, दो शर्ट वाला ये लग चुका है, रिंग काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा आपने समझ लिया ना यूज़ करके, बड़ा पेचकस ले लें छोटा अगर नहीं जोर लगा रहा, ये देखें और थोड़ा सा आप इसे घुमा लें, ये समझ आ चुका बस। इसको थोड़ा टाइट कर दें, इसका स्प्रिंग जो मैंने आपको कुछ सिखाया है और आपको समझ आ गई होगी, ये देखें वर्क कर रहा है, जब इसमें धागा लगाएंगे तो ये ज़्यादा वर्क करेगा, ये देखें दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि मैंने स्प्रिंग इसका किस तरीके से तब्दील किया है, आपने कैसे तब्दील करना है। मशीन ब्रदर मशीन कोई भी मशीन हो इसका स्प्रिंग एक जैसा ही होता है, सेम सेम होता है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं होता, इसका शायद एक जैसा ही होता है। तो आप जिस चाहे मशीन का ले आएँ और यहाँ पर लगा दें और ये लग जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मैसेज लाजमी करें और नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।